Let's start with biofertilizers. These are the fertilizers obtained from living matter. No artificial chemicals. Increases organic content, or you can say topsoil humus in soil. Then they add nitrogen in soil. ठीक है, do not deteriorate quality of soil. So these are the functions of biofertilizers and use of biofertilizers and biopesticides is called as biofarming, or you can say organic farming. This is called as organic farming. ठीक है जी, तो ये जो है, अब biofertilizers में आ क्या जाता है? It includes bacteria, cyanobacteria. And fungi. Bacteria में क्या आ जाता है? Nitrogen fixing bacteria. Cyanobacteria, again nitrogen fixing blue green algae. Fungi. Which form mycorrhizae. ध्यान से पहले सुनना है फिर लिखना है. Which form mycorrhizae. Bacteria. Plus one में हमने सारा किया हुआ है, but again nitrogen fixing bacteria. कौन से है हमारे पास? दो कैटेगरीज आ जाती है. वन इज सिंबियोटिक, अदर इज फ्री लिविंग. सिंबियोटिक एग्जाम्पल इज राइजोबियम and Frankia. इसका मैं यहां पे नीचे लिख रही हूं कि राइजोबियम जो है कहां पे रहता है? राइजोबियम इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स.
और जो फ्रेंकिया है वो कहां पे रहता है? इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस, एक ये प्लांट है, एंड कैजुराइना। इन दोनों के, दीज आर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जिनके रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया रहता है? दैट इज फ्रेंकिया, राइट? तो ये जो है सिम्बियोटिक, दीज बैक्टीरिया प्रोवाइड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू होस्ट प्लांट्स। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का क्या मतलब है? अमीनो एसिड्स एमाइड्स की फॉर्म में देता है, जबकि फ्री लिविंग फर्दर दो टाइप के हैं, एनारोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा है? दैट इज एजोस्पाइरिलम। दिस इज एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में आ जाता है एजोटोबैक्टर। बेजरनिकिया ये क्या कर रहे हैं? दे एनरिच द सॉइल विथ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ठीक है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन नहीं, दे एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, बट दे एनरिच द सॉइल विथ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, दैट इज अमोनिया, मेनली अमोनिया, राइट? जबकि ये जो है सिम्बियोटिक जो है ये क्या करते हैं? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स को देते हैं, और कुछ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है ये सॉइल में भी चली जाती है। और नहीं तो जब ये प्लांट्स की डेथ होती है, जो उनके सॉइल में, जो उनमें बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन है, वो सारी की सारी कहां चली जाती है? सॉइल में चली जाती है, राइट? तो पहले आप ये लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सियानोबैक्टीरिया। मेनली दूसरे भी हो सकते हैं, बट मेनली हेट्रोसिस्टस ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन। अगेन मैं बताती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। नाइट्रोजन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन और कुछ नहीं है। ये नहीं कहना है कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या ऑर्गेनिक फॉर्म या नॉर, नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, राइट? तो कौन सी हेट्रोसिस्टस ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी है? जैसे हेट्रोसिस्टस मीन्स द ब्लू ग्रीन एल्गी हैविंग स्पेशलाइज्ड सेल्स, प्लस वन में भी हमने किया था। दीज आर हेट्रोसिस्ट्स। थिक वॉल्ड
कलरलेस, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें नहीं है। हेट्रोसिस्ट्स, ठीक है जी। तो कौन सी सच एज फॉर एग्जाम्पल एनाबीना, नोस्टॉक, ओलोसायरा, सिलेंड्रोस्पर्मम, मेनी मोर बट दीज आर कॉमन वन एटसेट्रा, ठीक है। जो एनाबीना है बेटा इसमें, इट इज फ्री लिविंग और इट कैन बी सिम्बायोटिक। कहां कहां पे रह रही है? दैट इज सच एज, फर्स्ट है थैलस ऑफ मार्केंशिया, नॉट मार्केंशिया, थैलस ऑफ एंथोसिरोस, एंथोसिरोस इज ए ब्रायोफाइट, राइट, ब्रैकेट में लिख लेना आप पूरा लिखना, ब्रायोफाइट। सेकेंड है फ्रॉन्ड्स, फ्रॉन्ड्स का मतलब होता है लीव्स, फ्रॉन्ड्स ऑफ अजोला, अजोला है वॉटर फॉर्न, टरिडोफाइट। देन थर्ड आ जाता है बेटा कोरेलॉइड, रूट्स ऑफ साइकस, इट इज ए जिम्नोस्पर्म। इट्स ए जिम्नोस्पर्म, ठीक है जी। तो दीज आर हेट्रोसिस्टस ब्लू ग्रीन एल्गी विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइकोराइजा या फंजाई, फंजाई एज बायोफर्टिलाइजर। थर्ड है फंजाई एज बायोफर्टिलाइजर। जो फंजाई है, फंजाई इज सिंबियोटिकली एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स सच एज, कौन कौन से प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड है? सच एज पाइनस, सच एज ऑर्किड्स, और भी बहुत सारे हैं, बट ये दो कॉमन है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। एंड फॉर्म माइकोराइसा, फंगस ग्लोमस, फंगस का नाम है ग्लोमस। कौन सी क्लास है? ऑफ क्लास बिसीडियोमाइसिटीज, मशरूम्स जिसमें आते हैं, इज एसोसिएटेड विद पाइनस। फंक्शन क्या है माइकोराइजा के? क्योंकि माइकोराइजा फंगस क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। तो फंजाई या माइकोराइजा के फंक्शंस क्या है? फंजाई जो है इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ रूट्स फॉर
absorption of water and minerals. दूसरा है causes solubilization of phosphorus. Phosphorus in soil. और प्लांट जो वो सोल्यूबल फॉस्फोरस है वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है. दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फेट फिक्सेशन. और तीसरा है बेटा, सिक्रीट सम केमिकल्स. उन केमिकल्स का क्या फायदा है? विच प्रोटेक्ट द प्लांट. From soil-borne diseases. ठीक है, soil से जो diseases आ रहे हैं उनसे बचते हैं. ठीक है, so these are the functions of cyanobacteria and fungi. ठीक, करो अभी. ब्लू ग्रीन एल्गी में ही कि इनका मेनली काम है, दे ऑल्सो एड लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल. क्योंकि राइस फील्ड्स में बेटा पानी खड़ा रहता है, ठीक है, तो इसलिए बीजीए, कौन सी, हेट्रोसिस्टस, पूरा लिखना, आर यूज्ड as biofertilizer mainly in rice fields such as Olocyra fertilissima. ये mainly use होता है in you know rice fields. क्योंकि राइस फील्ड्स पानी से काफी टाइम तक भरे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत जल्दी ग्रो करती है और नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाती है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, माइक्रोब्स एज सोर्स ऑफ various chemicals, enzymes and bioactive म्यूट पे है. हाँ जी, आ गया. फर्स्ट है माइक्रो लैक्टोबैसिलस. इट प्रोड्यूसेस एसिड, कौन सा, लैक्टिक एसिड. एंड दिस लैक्टिक एसिड इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, योगर्ट, चीज etc. Then another is Acetobacter
एसिटाइल. दे प्रोड्यूस एसिटिक एसिड विच इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ विनेगर. देन अनदर इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. इट प्रोड्यूस ब्यूटायरिक एसिड. अनदर इज एस्परजिलस ये तीनों बैक्टीरिया है. एस्परजिलस नाइगर ये एक फंगस है. कौन सी फंगस है? ग्रीन स्मोकी मोल्ड. इसका क्या फंक्शन है? इट प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड. और ये जो दोनों है दीज आर यूज्ड एज यू नो प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो एंड इन यू नो सम फार्मा प्रोडक्ट्स. फ्लेवरिंग के लिए कुछ ऐसा नहीं, फ्लेवरिंग के लिए जो है वो ये यूज करते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा यीस्ट जो है सैक्रोमाइसिस. सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया दैट इज यीस्ट. इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल दैट इज बेवरेजेस एल्कोहलिक बेवरेजेस. These are used for making alcoholic beverages. पहले ये लिख लो फिर मैं तुम्हें various enzymes लिखवाती हूँ कि उनका क्या फायदा है. Various enzymes. Economically important enzymes हम बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे लाइपेजेस की, फिर प्रोटीएजेस की, देन पेक्टिनेजेस अमाइलेजेस स्ट्रेप्टोकाइनेज. जो लाइपेस है इसका सोर्स है फंगस कैंडिडा. फंगस कैंडिडा. देन प्रोटीएजेस एग्जाम्पल है फंगस एस्परजिलस इससे मिलते हैं प्रोटीएज, या फिर बैक्टीरिया बेसिलस. देन नेक्स्ट इज पेक्टिनेजेस. देन हियर इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
बिसाइलोक्लाइमस। दिस इज ऑल्सो ए बैक्टीरिया, राइट? नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी स्टार सा डाल लो भी इफ यू डोंट रिमेम्बर, बट ये एस्परजिलस याद रखना बहुत जरूरी है। देन अमाइलेजेस, अमाइलेजेस अगेन बेसिलस स्पीशियस। बैक्टीरिया बेसिलस स्पीशियस एंड द एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। कौन से बैक्टीरिया से मिल रहा है? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनके फंक्शन क्या है? लाइपेजेस, जो लिपिड्स को डिसॉल्व करें, ठीक है? तो यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, टू रिमूव ऑयल स्टेन्स। डिटर्जेंट्स चाहे वो कपड़े धोने के काम आए या फिर किचन में काम आए, राइट? देन प्रोटीएजेस यूज्ड इन डिशवॉशिंग्स, टू रिमूव proteins from, you know, utensils, ठीक है? proteases का ये काम है कि वो utensils में से जो proteins वगैरह हम खाते हैं उनको अच्छी तरह से clean करते, right? So another is pectinases, pectins, dissolution of मिडल लैमेला। ठीक है, सो पेक्टिनेजेस प्लस प्रोटीएजेस। आप बेटा घर में जूस निकालो, किसी का निकालो, टर्बिड सा बीच में धागे धागे से आपको नजर आते, क्लियर जूस होता ही नहीं है, और मार्केट से ले आओ वो एकदम क्लियर जूस है। तो कैसे क्लियर? हम वो क्या करते हैं, वो जूस में पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस डाल देते हैं, क्लियरिंग ऑफ। जो पैक्ड जूसेस की बात कर रहे हैं, फ्रेश जूस की नहीं बात कर रहे हैं, क्लियरिंग ऑफ बॉटल्ड फ्रूट जूसेस, उनको क्लियर करने के काम आते हैं, ठीक है? सो क्लियरिंग ऑफ बॉटल्ड जूसेस। अमाइलेजेस यूज्ड इन ब्रूरीज फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इनटू ग्लूकोज। और जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज क्लॉट बस्टर एंजाइम। ठीक है, हेल्प्स इन डिसॉल्विंग ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स, इन केस ऑफ ब्लॉकेज। तो बेटा जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल पहुंचता है, तो सबसे पहले, बाकी चीजें तो बाद की बातें हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉट ऑफ
यू नो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज इंजेक्टेड इन द पेशेंट, ताकि थोड़ा बहुत सुपरफिशियल क्लॉट्स हो वो डिजोल्व हो जाए, फिर बाद में देखें कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, सो मेनली यूज्ड इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन विच लीड्स टू हार्ट अटैक. ठीक है जी, तो दीज आर वेरियस एंजाइम्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रोब्स, राइट. तो पहले आप ये सारे लिख लो, दीज आर द एंजाइम्स, ये सोर्सेज है माइक्रोब्स के और ये फंक्शंस है इन एंजाइम्स के, राइट. तो ये नोट कर लो. करते हैं बेटा, सोर्स माइक्रोब्स एज सोर्स ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायोएक्टिव यू नो विच आर यूज्ड इन मेडिसिन हम कह सकते हैं. ठीक है, तो पहला आ जाता है क्या क्या चीजें हैं, दैट इज फर्स्ट है इम्यूनो सप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए. Then, statins. जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये कौन प्रोड्यूस करता है, फंगस. कौन सी फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. Then statins, ये yeast की ही एक टाइप है, Monascus purpureus. बेटा पेपर में without exception तीन चीजों में से, एक मैंने बताया था स्ट्रेप्टोकाइनेस, दूसरा साइक्लोस्पोरिन, तीसरा statins, इनके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है 100% प्लस टू में भी और नीट में भी. है कुछ भी नहीं है बट सिर्फ आपको सोर्सेज याद नहीं रहते, आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, कि स्ट्रेप्टोकाइनेस का सोर्स स्ट्रेप्टोकोकस है ये याद रहेगा, साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा, स्टेटिन्स मोनेस्कस परप्यूरियस, राइट. दिस इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज्ड टू लोअर डाउन or you can say suppress immune system in case of organ transplant. In case of severe allergies, और आपको पता है इन केस कोविड 19 में भी जिसको जिसका इम्यून सिस्टम, कुछ लोगों को क्या हो रहा था, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाई हो रहा था जिसके कारण लंग फिब्रोसिस हो रही थी, तो उस केस में भी इसी टाइप के इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए गए. साइक्लोस्पोरिन एक मैंने एक ये एक मॉलिक्यूल का नाम है, ठीक है, बट इसके डिफरेंट नेम्स है, ब्रांड नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं, राइट. So, Monascus purpureus statins, it is also a yeast fungus. Statins ka kya kaam hai? It lowers, jinka cholesterol level high hota hai, jinko heart attack ki possibility ho sakti hai due to high cholesterol. Toh, kya dete hai? Statins de dete hai.
lowers blood cholesterol level. ठीक है, ये क्या करता है? इट मैम वीडियो पॉज हो गई क्या आपकी? मैं दोबारा से बताती हूं आपको, हाँ जी बेटा आप ठीक है, कि ये जो स्टेटिन्स है, इज इट ओके मयंक? यस मैम अब ठीक है। जो स्टेटिन्स है मुनेस्कस से मिल रही है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करते हैं। कैसे लो करते हैं? कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो ये स्टेटिन्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देती, वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाती है, जिससे सबस्ट्रेट विच इज चेंज्ड इनटू कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बाइंड विद द एंजाइम एंड देयरफॉर नो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। राइट, सो दीज आर बायो एक्टिव मेन। ये जो दो है और तीसरा, हम स्ट्रेप्टोकाइनेज को एज एंजाइम एज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कर लो जल्दी से। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कुछ और भी बता दूं, बोर्ड खाली है फिर लिखना आप। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोब्स एज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स। सिक्रीटेड बाय माइक्रोब्स विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स और किल अदर माइक्रोब्स। ठीक है जी, तो ये जो है दूसरे माइक्रोब्स को या ग्रो नहीं करने देते या उनको मार देते हैं। ठीक है, दे इनहिबिट या तो सेल वॉल फॉर्मेशन, वो नहीं बनने देते, कैसे एक्ट करते हैं, या फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देते, या बाइंडिंग ऑफ mRNA विद राइबोसोम्स और इनहिबिट पेप्टिडाइल ट्रांसफरेंस। तो मतलब इन ओवरऑल अगर हम कहें तो या तो वो सेल वॉल नहीं बनने दे रहे हैं, या फिर बैक्टीरिया या किसी की माइक्रोब्स की जो है वो प्रोटीन नहीं बनने दे रहे, या सेल वॉल नहीं बनने दे रहे या प्रोटीन नहीं बनने दे रहे। ठीक है, इस तरह या तो माइक्रोब्स की ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं या उनको मार देते हैं। ठीक, नो इफेक्ट ऑन वायरसेस। बेटा अगर हम एंटीबायोटिक्स ऐसी देंगे जो होस्ट के सेल्स को, वायरसेस कब मरेंगे? अगर होस्ट के सेल्स मर जाएंगे। बट अगर होस्ट के सेल्स ही मर जाएंगे तो वायरस को मार के हम क्या करें?
इंसान ही मर गया तो उसके अंदर माइक्रोब्स है, उनको मार के अब हम क्या करें, ठीक है? तो इसलिए नो इफेक्ट ऑन वायरसेस, एज वायरसेस क्यों नहीं मरते हैं, एज वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म. वायरसेस का अपना मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, इसलिए वायरसेस पे कोई इफेक्ट ही नहीं है. ठीक, नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, कौन सी थी? पेंसिलिन बाय फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, वर्किंग ऑन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस. इनकी ऑब्जर्वेशंस है बेटा, है ना, बहुत सारी चीजें, ऐसे नहीं भी ये बहुत इनको बहुत पेंसिलीन पे काम कर रहे थे तो इनको पता चला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. इनकी ऑब्जर्वेशंस है कि कैसे जो है वो पेंसिलीन का पता चला. एक मिनट, स्टेफाइलोकोकस, नॉट स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस. ठीक है, उसके बाद ही वेंट आउट ऑफ स्टेशन फॉर फ्यू डेज. लैब बंद थी, मॉइस्चर वहां पे था, है ना, देखा किसी ने है नहीं, तो इसलिए. एंड After coming back, he observed contamination. Contamination का मतलब है जिसमें स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर रहा था उसमें और भी माइक्रोब्स आ गए. ठीक है, contamination of बैक्टीरियल कल्चर प्लेट्स. तो उसने अपने स्टूडेंट को कहा कि भाई इसको धो के रखो, इन कल्चर प्लेट्स को, इनका कोई फायदा नहीं, दोबारा से कल्चर हम करेंगे. बट सडनली ही ऑब्जर्व इन वन प्लेट contaminated with mold. Mold मतलब fungus, आप लिख लेना bracket में fungus. Mold penicillium. Penicillium की contamination थी उस plate में. तो उसने क्या observe किया? That bacteria gets killed in the regions where mold was growing. नहीं तो पूरी प्लेट पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया था, बट जहां पे जहां जहां भी मोल्ड की कॉलोनीज आई वहां पे उसे बैक्टीरिया नहीं मिला. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोल्ड ने कुछ पहले तो उसकी प्लेट्स पूरी भरी हुई थी, बट जहां जहां पे मोल्ड आया वहां पे बैक्टीरिया नहीं था. ठीक है, तो इसका मतलब है कि मोल्ड ने कुछ केमिकल सिक्रीट किए जिससे वो बैक्टीरिया मर गया. इसकी ये ऑब्जर्वेशन थी. उसके बाद इसने अपनी ये ऑब्जर्वेशन लिखी एंड ऑल दैट. उसके बाद चेन एंड फ्लोरे, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी स्टेफाइलोकोकस
और पेनिसिलियम पे काम किया। इन्होंने फिर दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और देखा कि ये बात तो ठीक है। फिर उन्होंने पेनिसिलियम से एक्टिव केमिकल निकाला और उसका नाम रखा पेनिसिलिन। फिर उसको यूज किया बहुत सारी स्पीशीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस पे और भी बैक्टीरिया पे, देखा होगा ठीक है। एंड दे ऑब्जर्व्ड दैट पेनिसिलिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ क्लास ऑफ बैक्टीरिया, मेनी बैक्टीरिया, एंड द थ्री फ्लेमिंग फ्लोरे एंड चेन दे वर गिवन यू नो द नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री आई होप, ठीक है। उनको नोबल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। इसने ये इफेक्ट देखा था, बस इतना यहां तक देखा था। उसके बाद उसको निकालना, पेनिसिलिन को निकालना, उसके आगे इफेक्ट्स देखने, वो किसने किए थे? चेन एंड फ्लोरे ने। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू में ये वाली एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा यूज हुई टू क्योर द पेशेंट, टू क्योर सोल्जर्स मेनली, जिनको, और स्टेफाइलोकोकस से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होती है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस भी और भी बैक्टीरिया जो है, तो उस टाइम पे बहुत सारी जो है पेशेंट्स को क्योर किया गया विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज वंडर ड्रग, राइट, ठीक है। तो पहले आप जो है ये सारा नोट कर लो, फिर मैं इसके बारे में आपको और भी लिखवा देती हूँ। नेक्स्ट आ जाइए, ये हमने देख लिया। लेटर नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, लेटर चेन एंड फ्लोरे, CHAIN, चेन एंड फ्लोरे एक्सट्रैक्टेड द इफेक्टिव केमिकल फ्रॉम पेनिसिलियम एंड इज कॉल्ड एज एंड नेम्ड इट एज, कर लो, एंड नेम्ड इट एज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। मयंक एक मिनट बेटा, पहले थोड़ा सा लिख लो फिर, क्योंकि हरगुन ने जाना है, मैं थोड़ा सा लिखवा दूंगा। इससे पहले जो आई थिंक वो लाइन ही कट गई जो आपने कहा, कट गई थी, शुरू से बोल दूं, मैं दोबारा से बोलती हूँ। चेन एंड फ्लोरे एक्सट्रैक्टेड द एक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम पेनिसिलियम एंड नेम्ड इट एज पेनिसिलिन which was effective against many bacteria. Initially, penicillin was isolated from Penicillium notatum. Penicillium notatum. Later, full stop करके, later it was commercially extracted from later it was commercially extracted from penicillium chrysogenum. नेक्स्ट पॉइंट है, पेंसिलिन इज कॉल्ड एज वंडर ड्रग।
as it was used, as it was used to treat, it was used to treat many injured patients, many injured patients during World War II. During World War II. Next point hai. Fleming chain and Fleury. Fleming, chain and Fleury were awarded Nobel Prize. Were awarded Nobel Prize for this discovery. Next point hai. Ab to bahut sari antibiotics hai, ek nahi hai. Major source of antibiotics are Bacillus bacteria. Major source of antibiotics are Bacillus bacteria. And there are many antibiotics which are effective against, there are many antibiotics which are effective against bacterial diseases, fungal diseases, protozoal diseases, etc. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. सिर्फ आधे घंटे का हमारा और रह गया है, बट नो प्रॉब्लम, मैं असाइनमेंट भेज देती हूँ, आप वो करना और मंडे को बाकी का लेक्चर और असाइनमेंट डिस्कस करेंगे. एंड टुमारो वी विल हैव टेस्ट ऑफ अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इज इट ओके? ठीक है जी, सबको पता है.